बिहार में पकड़ौवा विवाह के शिकार हुए लोगों के लिए बुरी खबर है और ये खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ौवा विवाह या जबरदस्ती करवाई जाने वाली शादी को रद्द करने वाले पटना हाई कोर्ट के एक आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर नोटिस जारी किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक फैसले के संचालन पर रोक लगी रहेगी। कुछ महीनों पहले नवंबर 2023 में पटना हाई कोर्ट ने पकड़ौवा विवाह के एक मामले पर बड़ा फैसला दिया था और पकड़ौवा विवाह के एक मामले में शादी को रद्द कर दिया था। तब पटना हाई कोर्ट का कहना था कि हिंदू धर्म में शादी के मामले में 7 फेरों का विधान है। इस दौरान वर और वधु दोनों को अग्नि के सामने 7 फेरे लेने पड़ते हैं। इसके बाद सिंदूरदान की रस्म होती है और इसके बाद ही शादी वैध मानी जाती है। विधि विधान से शादी नहीं करवाने और जबरदस्ती मांग में सिंदूर भर देने से किसी शादी को जायज नहीं ठहराया जा सकता है। वर को अपनी मर्जी से वधु की मांग में सिंदूर भरना चाहिए। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने पकड़वा विवाह के एक मामले में ये फैसला सुनाया था। करीब 10 साल पहले सेना में तैनात जवान रविकांत की जबरदस्ती शादी करवा दी गई थी। बिहार के लखीसराय में उन्हें अगवा कर लिया गया और उसके बाद उनकी जबरदस्ती शादी करवा दी गई थी, जबकि पीड़ित इसके लिए राजी नहीं थे। पीड़ित ने इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने शिकायत दर्ज नहीं की। इसके बाद पीड़ित ने लखीसराय के CGM कोर्ट में इसकी शिकायत की। फैमिली कोर्ट में भी उन्होंने अर्जी लगाई, लेकिन 27 जनवरी 2020 को अपील खारिज हो गई। लोअर कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने पटना हाई कोर्ट का रुख किया, जहां सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कहा कि 7 फेरों के बिना ये शादी पूरी नहीं मानी जाएगी। पकड़वा विवाह यानी लड़के को किडनैप करके उसकी जबरदस्ती शादी करवाना, बिहार में एक वक्त पर इसका काफी प्रचलन था। लड़के को बंदूक की नोक पर लड़की की मांग में सिंदूर डालने के लिए मजबूर किया जाता था और फिर लड़की को लड़के के साथ उसके घर भेज दिया जाता था। फिर पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद माना जाने लगा कि ये कुप्रथा शायद पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस कुप्रथा के चक्कर में ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हुई, कितने ही परिवारों ने बहुत कुछ सहा। दूल्हा दुल्हन सारी जिंदगी पकड़वा विवाह का ठप्पा झेलते रहे। हालांकि ये प्रचलन अब काफी कम हो चुका है, लेकिन पटना हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद ये कुप्रथा एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है।